हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सभी स्टूडेंट समझेंगे, जिन्हें भी वीडियो अच्छी लगेगी सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। बच्चों, यहाँ पे किसी हॉस्टल में एक तो फिक्स चार्ज लगता है, मंथली का फिक्स चार्ज है कि आपको इतना देना ही देना है। बाकी रिमेनिंग जो डिपेंड करता है, रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट जो डिपेंड करता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन फूड लिया, खाना लिया। अगर एक स्टूडेंट ए है, उसने 20 डेज खाना लिया है, शी हैज़ टू पे रुपीज़ 1000 एज हॉस्टल चार्जेस, तो उसने 1000 रुपये टोटल पे किया है हॉस्टल चार्ज। अगर एक स्टूडेंट बी है, जिसने 26 डेज खाना लिया है, तो वहाँ पे उसने 1180 रुपीज़ पे किया है। तो बताइए फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है। स्टूडेंट्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, फिक्स चार्ज को एक्स मान लेते हैं, एंड दैट ऑफ चार्ज पर डे बी रुपीज वाई। और बच्चों, जो पर डे का चार्ज है उसे वाई रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे समझेंगे आप सभी। देखिए स्टूडेंट्स, दो तरीके के चार्ज लग रहे हैं, फिक्स चार्ज लग रहा है और चार्ज पर डे। बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, एक्स तो आपको पे करना ही है, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर आप एक दिन का खाना ले रहे हैं, ठीक है, ये चार्ज पर डे फॉर फूड है, एक दिन का खाना अगर आप वाई रुपीज़ का ले रहे हैं, तो इसने, ए स्टूडेंट ने 20 डेज खाना लिया है, तो बेटा कितना रुपया दिया होगा, 20y। एक दिन का अगर फूड वाई रुपीज़ है, तो 20 डेज का कितना, 20y। और ये 20y और ये फिक्स चार्ज दोनों मिला करके उसने कितने रुपीज़ पे किए हैं, 1000। देन दिस इज इक्वेशन नंबर वन। बच्चों, दूसरी इक्वेशन क्या है, उसमें भी फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। उसने 26 डेज खाना लिया है, तो उसका कितना लगेगा, 26y। और इसने टोटल कितने रुपए दिए हैं, 1180। वेट, 1180 इसने रुपीज दिए हैं, 1180। सबको समझ में आ गया, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर टू। अब स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यहीं कर देता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड सभी बच्चे जानते होंगे, आई होप। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो या याद नहीं है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने एलिमिनेशन मेथड सेपरेटली सिखाया है अपने चैनल पे। बच्चों, किसी एक का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यहाँ पर एक्स दोनों में सेम है, लेकिन साइन भी सेम थे, तो मैंने अपोजिट करने के लिए चेंज कर लिए। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 20y में से 26y जाएगा, तो माइनस का 6y बचेगा, और इसमें से बचेगा माइनस का 180, 1000 में से 1180 गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 6 से ये 30 टाइम्स, तो बच्चों वाई आ रहा है 30। वाई 30 का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है 30 रुपीज। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, पुट कर देंगे वाई इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से एक्स प्लस 20, वाई की जगह कितना है बच्चों, 30 इज इक्वल्स टू में 1000, 20 इंटू 30 कितना होता है, 600। तो बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 400, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ देयरफोर, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों नीचे बॉक्स में, आप भी लिख के आएंगे, देयरफोर फिक्स्ड जो चार्ज है, ठीक है, लास्ट में आप सभी लिख के आएंगे, जो फिक्स चार्ज है स्टूडेंट्स, वो है रुपीज 400, क्योंकि x को फिक्स चार्ज माना था, और यहाँ पर चार्ज पर डे जो है फूड का मैस के लिए, वो है रुपीज 30, 30 रुपये में एक दिन का खाना मिलता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट इसका ले लेते हैं।
देखिए फ्रैक्शन के ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 हो जाता है, बिकम्स 1/3 कब, अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए न्यूमिरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। इसका मतलब इन्होंने डिनोमिनेटर के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा एंड इट बिकम्स 1/4, और यही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड, जब 8 को ऐड कर दिया जाए डिनोमिनेटर में से। तो अब न्यूमिरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो न्यूमिरेटर सेम रहेगा। बताइए फ्रैक्शन क्या है। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, सबसे पहले फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई मानते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए न्यूमिरेटर में से, यानी कि एक्स में से 1 को माइनस किया है बट डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, तो डिनोमिनेटर वाई का वाई रहेगा और फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/3 के इक्वल, ठीक है। ये रहा ऊपर दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 3x-3y वन जार वाई, वाई इधर आके नेगेटिव हो जाएगा बच्चों और 3 इधर आके पॉजिटिव, ठीक है। ट्रांसपोज हो गया ना, वाई इधर आ गया और -3 इधर, फर्स्ट इक्वेशन। अगेन देखिए बच्चों ये आपसे फिर कह रहा है कि यही फ्रैक्शन 1/4 होता है अगर 8 को डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाए, मतलब अब न्यूमिरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया 8 तो ये फ्रैक्शन हो गया 1/4। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x = y+8, तो यहाँ पे y आ जाए इधर आके माइनस का हो जाएगा, 8 इधर ही रह जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में नोट कर लेता हूँ और सेकंड इक्वेशन यहाँ नोट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, क्यों भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं वाई तो पहले से ही सेम है ना, लेकिन दोनों में माइनस का था तो साइन चेंज करें, वाई से वाई कैंसिल, 3x में से 4x गया तो माइनस का एक्स बचेगा, 3 में से 8 गया तो -5, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, एक्स की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। पुट करेंगे x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में पुट कर दीजिए, चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 3 × 5, ये रही बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, 3 × 5 एक्स की जगह -y = 3, 15 - y = 3, तो बेटा वाई की वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि 3 इधर आके माइनस होगा वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12। बच्चों एक्स आ गया 5, वाई आ गया 12, जगह नहीं है इसीलिए थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, आपको तो नीचे ही लिखना था। देयरफोर फ्रैक्शन कितना माना है, एक्स अपॉन वाई, तो कितना हो जाएगा 5/12, दिस इज द आंसर, ठीक है, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 12, तो ये आंसर है। सभी को क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, कोई बच्चा है यश है जिसने टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किए, कब, जब उसको 3 मार्क्स हर राइट आंसर के लिए मिले, मतलब सही आंसर के लिए, और लूज कर दिए 1 मार्क उसने ईच रॉन्ग आंसर के लिए, मतलब अगर आपने गलत आंसर दिया तो 1 नंबर चला गया और 3 नंबर मिल गए जब आपने सही आंसर दिया, तो यश को 40 नंबर मिले, ठीक। अगर उसको 4 नंबर मिलते सही आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और उसके अगर 2 नंबर कट जाते हर एक गलत आंसर के लिए, तो भी यश के 50 नंबर आते, तो बताइए कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में। बच्चों आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, लेट द राइट आंसर्स, मान लेते हैं बच्चों कि यश ने जो राइट आंसर दिए हैं वो एक्स दिए हैं एंड दैट ऑफ रॉन्ग आंसर्स, और मान लेते हैं कि उसने जो गलत आंसर दिए हैं वो वाई दिए हैं। तो बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे,
भाई एक बात बताइए, जो भी क्वेश्चंस हैं उसने सारे अटेंड करे हैं, या तो गलत दिया है या सही दिया है। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे? एक्स प्लस वाई, क्योंकि सही दिए हैं एक्स और गलत दिए हैं वाई, ये हमने माना है ना। तो दोनों टोटल अगर हम जोड़ दें एक्स प्लस वाई तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे, सही प्लस गलत टोटल। ठीक है, अब चलिए हम इक्वेशंस बनाते हैं। देखिए बच्चों, अगर उसने राइट आंसर एक्स किया है, सुनिएगा, उसने सही आंसर्स कितने दिए? एक्स दिए। अगर उसको सही करने पर, एक आंसर सही करने पर तीन नंबर मिलते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। एक सही आंसर करने पे अगर उसे तीन नंबर मिलते हैं, तो एक्स सही आंसर करने पर उसे कितने नंबर मिलेंगे? 3x। जैसे कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको तीन नंबर मिल रहे हैं, तो पांच क्वेश्चन सही करने पे आपको कितने मिलेंगे? 15। 3 × 5, पांच क्वेश्चन सही करने पे। तो बेटा ऐसे ही एक्स क्वेश्चन सही करने पे कितने मिलेंगे? 3 × x। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जो ये नंबर मिले थे अच्छे खासे, उनमें से ये नंबर कट गए। कितने नंबर कट गए? अगर वो एक नंबर कट जाता है हर एक गलत आंसर के लिए, तो इसने गलत कितने किए हैं? वाई आंसर गलत किए हैं, तो इसके कितने कैंसिल हो गई? वाई नंबर माइनस हो गए। एक गलत करने पे वाई कटेगा, ठीक है, सॉरी, एक गलत करने पे एक नंबर कटेगा, तो वाई आंसर गलत करने पे कितने कटेंगे? वाई। लेकिन बच्चों वो लूज कर रहा है, माइनस होगा, यहाँ पे प्लस मत लगा दीजिएगा, माइनस होगा, क्योंकि उसके उल्टा कट रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन सही में से कटने के बाद भी उसके कितने नंबर आए? 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये नंबर 3x है वो उसे मिले थे, और y वो है जो उसके चले गए, तो जितने मिले थे उनमें से जो कट गए उनको माइनस करके भी उसके 40 नंबर आ गए। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? अगर उसको चार नंबर सही के लिए मिलते, मतलब 4x, और दो नंबर अगर उसके गलत के लिए कट जाते, तो 2y, तो उसको 50 मार्क्स मिलते। अब मैं इन्हें सॉल्व करूंगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में, ताकि ये 2y बन जाए और ये दोनों इक्वल हो जाएं। एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं आता है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए लीनियर इक्वेशन की, वहां पे मैंने सेपरेटली आपको सिखाया हुआ है लीनियर इक्वेशन। बच्चों साइन चेंज करके ये कैंसिल, कितना बचा? 2x, और ये कितना बचा? 30। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू 15 का मतलब क्या है? राइट आंसर उसने कितने किए हैं? 15। वेट, चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। x की जगह 15 माइनस y 40। बच्चों 45 माइनस y इज इक्वल्स टू 40, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। y की वैल्यू आ रही है 5, देयरफोर बच्चों टोटल क्वेश्चंस ऊपर अभी कितने माने थे? एक्स प्लस वाई, मतलब 15 + 5, विच इज इक्वल्स टू 20। दिस इज द आंसर बच्चों, यानी कि टोटल पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से उसने 15 सही दिए हैं और 5 गलत किए। सबको समझ में आ गया, ये आंसर था। अच्छा बच्चों, हमने ये क्वेश्चंस किए आप लोगों के लिए, मैं एक बात और बता देता हूँ, बहुत बढ़िया न्यूज बता देता हूँ, जिससे आप अपनी स्टडी को रेगुलरली कर सकते हैं, सारी चीजें रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट में बस। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। तो ऐसे ही अनअकैडमी पर बच्चों बहुत बढ़िया 2 कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, 12 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, परसों से, सॉरी कल से, और ये आपका उमंग बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट कोर्स फॉर क्लास 9। जो भी बच्चे क्लास 9 के हैं उनके लिए बैच 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप 9th और 10th दोनों ही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए एक तरीके से, कैसे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों बहुत बढ़िया बैच है, आपको यहाँ पे 900 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी मंडे टू सैटरडे।
पूरा का पूरा सिलेबस कवर रहेगा एनटीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, जो भी बच्चे एनटीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे 9-10 तो कर ही रहे हैं, साथ में एनटीएससी का भी सिलेबस है। पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में मिलेगा आपको, पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट रिविजन कराया जाएगा 2 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर आपको रिगरस प्रैक्टिस कराई जाएगी, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से एकदम कहते हैं ना रगड़ के एकदम, और जिससे आपको पीवाईक्यू सेशंस भी चलेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पूरा कंप्लीट सिलेबस का कवरेज रहेगा आप लोगों के लिए यहाँ पर, 9th और 10th का एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी रहेंगे, बस एक इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी, 30 से ज्यादा डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, बैच जो है दोनों में चलेगा हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पर आप कहीं से भी इसको लाइव और कभी भी किसी टाइम पे इसकी रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं अगर आपका रह गया कभी लाइव तो। तो बच्चों एक तो ये बहुत जबरदस्त कोर्स आ रहा है उमंग बैच, जो कि 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक दूसरा बैच और आ रहा है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त बैच है एस्पायर बैच, जो कि फाउंडेशन कोर्स कराएगा पूरा 9th के लिए, ये भी 9th के लिए। इसमें आपको 700 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी मंडे टू सैटरडे, पूरा सिलेबस कवर होगा पीसीएमबी का 9th और 10th ग्रेड का। इसमें बच्चों आपको 11th का भी एक्सपोजर मिलेगा, मतलब 11th की पीसीएमबी भी आपको जो है कराई जाएगी, बेसिक्स कराए जाएंगे, फाउंडेशन कराया जाएगा। बच्चों 5000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लाइव क्विज मिलेंगी आपको, पूरा 1 मंथ में रिविजन भी होगा और वीकेंड पे भी आपकी क्लासेस चलेंगी। 1 महीने में आपको पूरा क्विक कैप्सूल रिविजन दिया जाएगा वीकेंड की क्लासेस पर। स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में रहेगा, 100% आपको क्लियर किया जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स, 30% आपकी इंटरेक्टिव डाउट क्लियरिंग क्लासेस रहेंगी, दोनों में बैचेस चलेंगे और आप इसे भी लाइव और रिकॉर्डेड कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं। ये आपका बैच जो है बच्चों वो भी 12th of May से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बैच है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आपको एस्पायर बैच और उमंग बैच दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी जो खुद पेज की जो लिंक है जहाँ अनएकेडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, मेरे अनएकेडमी पेज की आपको लिंक मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। और बहुत ही बढ़िया बैच है, जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे 9th या 10th में आए हैं वो दोनों क्लासेस के बच्चे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बस 1 टाइम आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बस 1 टाइम आप प्लस लेना है। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन लें, और अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, मेरा रेफरल कोड है बच्चों मोहिता, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा टोटल फीस पे, चाहे आप कितने भी महीने का प्लान लेंगे सब पे आपको 10% का मेरी इस रेफरल कोड से डिस्काउंट मिलेगा। तो कोई भी बच्चा भूले ना, मोहिता रेफरल कोड लगाना। और बेटा जो मेरी कैटेगरी है वो है जेई नीट फाउंडेशन एनटीएससी, मैं सिर्फ इसी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, तो सारे बच्चे बस इसी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लें, बाकी मैं किसी और कैटेगरी में नहीं पढ़ाता हूँ। और ये सारे बैचेस भी आपके इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी, जो आईआईटी की सब कैटेगरी है, ठीक है। तो आप दो बातों का बहुत ध्यान रखें, एक कैटेगरी का मतलब गोल का, आप अपने गोल को यही रखें, और एक मेरे रेफरल कोड का, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है बच्चों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।